हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन का ब्लॉक है। सपोज कर ले ये एक क्यूब है मान लेते हैं अपन, और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया है, मतलब अंदर की तरफ हेमिस्फीयर में एक डिप्रेशन बनाया गया है। सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। और जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर एल है और वो लेंथ जो है, एज जो है क्यूब के, वो उसके इक्वल है। तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पता करना है। तो सपोज कर ले स्टार्टिंग में मेरे पास एक कंप्लीट क्यूब है, ये कंप्लीट क्यूब है, अब इसमें कोई हेमिस्फीयर नहीं है। तो ये पहले इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए करते हैं। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड को ए मान लो और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ए वन मान लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। अब गिवन कर दिया है कि जो डायमीटर एल है वो एज ऑफ द क्यूब के इक्वल है, तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो गया, 6 एल स्क्वायर हो गया। ये पहली बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, सपोज कर ले दिस इज द हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ये वाला जो डिप्रेशन है ऐसे अंदर की तरफ बना है, अंदर की तरफ ये डिप्रेशन बनाया है। तो फिर क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है ये वाला, ये अंदर की तरफ बन गया, तो इसका मतलब है हमारे पास जगह अवेलेबल हो गई एक हेमिस्फीयर की, दैट इज सी एस ए। तो मुझे क्या करना है, मुझे सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ऐड करना है। सपोज कर लो ऐसे कटोरी अपन ने ऊपर रखी हुई है, ये हेमिस्फीयर है। तो अब क्या होगा, अब जब आप खाना आप पेंट करना चाहते हो, मान लो पेंट की बात कर लेते हैं, तो ये वाला तो पेंट होगा ही होगा, इसके अलावा ये वाला सरफेस एरिया भी पेंट हो सकता है, अंदर वाला जो एरिया है सरफेस वो पेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है हेमिस्फीयर का सी एस ए। तो हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसको लगा लो ए टू, और 2πr². अब अगर डायमीटर l है तो रेडियस क्या होगा, l बाय 2 होगा, उसका स्क्वायर l स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई l स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ये सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर आया। अब उसके बाद अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। जब हमने ये हेमिस्फीयर बनाया अंदर की तरफ, ये तो अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, मान लो ये अंदर की तरफ बना है, तो हमें ऊपर से एक सर्कल खाली मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें से हेमिस्फीयर निकालना चाहता हूँ तो ये मुझको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऊपर एक सर्कल आपको दिखाई देगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का टॉप व्यू क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक सर्कल का जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा, तो वो सरफेस मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मुझे क्या बनाना है, सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल A3, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो पाई एल स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब जो टोटल रिमेनिंग एरिया आएगा ए, वो क्या होगा, सी एस से टोटल सरफेस एरिया क्यूब में हेमिस्फीयर का सी एस से तो ऐड करेंगे, लेकिन सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। ये जगह एक्स्ट्रा अवेलेबल हुई है, ये वाली जगह खाली हुई है सर्कल का एरिया वाली। ए वन की वैल्यू पुट कर देंगे, ए टू की वैल्यू पुट कर देंगे और ए थ्री की वैल्यू भी पुट कर देंगे। एल स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 6 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, एलसीएम ले लो, 24 प्लस 2π माइनस पाई। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ आंसर,
एल स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया और इस तरीके से डन हो गया। थैंक यू।